चल जाओ उधर जाओ, आप इस खटिया पे बैठ जाओ, मैं आपके पास ही बैठ जाऊंगी। पहली बात तो बेटी, आपके घर में किसी पीर का दोष है, इस पीर की आपके घर में काफी मान्यता हो चुकी है। आपके परिवार में आपकी जटाणी इस पीर को मानती थी, जिसके कारण उस पीर का पाप पे भारी दोष है। और दूसरी बात, महामाई काली की आप पर एक विशेष कृपा थी, लेकिन आपके कारण ही काली माता का अपमान होने के कारण काली माता आपसे सख्त नाराज है। जिस माता की कृपा से आपके हजारों काम चले गए, उस माता की कृपा से आज आपके सभी काम रुक गए हैं। आपके घर में बेटे की आज बीमारी का हिसाब चला रहा है, डॉक्टर की कोई दुआई नहीं लगती, ये सब महामाई काली माता के कारण, जिसके कारण आपके अपूर्ण का अपमान हुआ। आपने उनकी तस्वीर को जल में प्रवाह कर दिया। आप दोबारा से काली माता की तस्वीर अपने घर में लेके आओ, बड़ी श्रद्धा भावना से उसका पूजन करो। मैं लिख के आपको दावे के साथ कहती हूं कि आपके घर में नौ दोबारा सी दोष है, और नवरात्रों में ही। अब क्या चलेंगे, अभी ले क्या माँ को मना, अगर अपने बेटे को ठीक करना चाहती अपने घर में सुख शांति लेके आना चाहती, आपके घर माँ की तस्वीर को लेके आओ, माँ का पूजन करो बड़ी सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ, और माँ को बनाओ कि माता मुझे क्षमा कर दो, दुष्ट इंसानों के कारण, दुष्ट इंसानों की बातों में आके मैंने तस्वीर को उठा के आपकी तस्वीर को जल प्रवाह कर दिया, जिसके कारण आप मुझसे नाराज हो गई हो, अब मुझे क्षमा करो माँ।